रिसेंटली मेरे एक यूनिवर्सिटी क्लास में एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे ग्रुप, एंड देयर टॉपिक वॉज स्ट्रेस, जो कि आजकल हर अमूमन हर किसी का मसला है. आप स्ट्रेस्ड हैं, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, हमारे इर्द गिर्द हर इंसान स्ट्रेस्ड है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं स्ट्रेस्ड नहीं हूँ. थिंक वॉज दैट के द प्रेजेंटर सेड के हमारे पेरेंट्स जो सारा दिन बाहर काम शाम करके हमारे लिए मेहनत करके घर में आते हैं रात को, एंड दे आर इतने स्ट्रेस के अगर हम सब बात करने की कोशिश भी करें तो दे आर सो डेवेस्टेटेड के वो बात नहीं करते, ये आपको सही रिस्पॉन्स देते हैं, आप उसे टाइम दे नहीं पाते बिकॉज दे स्ट्रेस ऑफ द वर्ल्ड. तो एक ऑडियंस एक सवाल आता है कि हाउ कैन वी हेल्प आवर पेरेंट्स के वो स्ट्रेस ना हो, हाउ कैन वी रिड्यूस देयर स्ट्रेस बाय हेल्पिंग देम फ्रॉम आवर सेल्फ. ऑल्दो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एक खुद डेवलप हो रहा हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन वट एवर एक्सपीरियंस आई है, वट एवर थिंग आई नो, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर इट विद यू गाइस. देखें द मेन स्ट्रेस विच आर पेरेंट्स हैव राइट नाउ इज अस, हम उनकी औलाद हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, वो सारा दिन काम करते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं जस्ट फॉर अस के यार हम अपने बच्चों को वो एनवायरनमेंट दे पाएँ जो हमें नहीं मिला, हम वो अपने बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ कि कल कर ये ना बोले क्या फलां के बच्चे के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है. दे जस्ट ट्राई देयर बेस्ट टू गिव अस एवरीथिंग व्हाट वी वांट. मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पेरेंट्स को सिर्फ ये स्ट्रेस है कि यार बस हमें दुनिया के अपने बच्चों के लिए सब करना है, ऑब्वियसली द वर्ल्ड इज गोइंग विद देम, लेकिन द मेन स्ट्रेस अल्टीमेटली वो हमारे लिए होती है कि यार इन द एंड वट एवर दे आर डूइंग इज फॉर अस. तो ऑब्वियसली हमारा भी रोल बनता है कि हम अपनी तरफ से एक ऐसा पार्ट प्ले करें, ऐसा रोल प्ले करें कि उनकी स्ट्रेस में ज़्यादा ना सही 10% 20% 30% की कमी आ जाए. अब वो किस तरह कर सकते हैं, गेन द ट्रस्ट ऑफ योर पेरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेंड टाइम विद देम, उनकी बात पर अच्छा से रिस्पॉन्स दें, और दूसरा वो जो आपको नसीहत करें, वो जो आपको कहें उसको माने. नॉट लाइक मैं नहीं कर रहा, ऐसे नहीं होता, आपको क्या पता, आपको तो नहीं पता, मुझे सारा पता है, दुनिया का नहीं पता आपको. वैन यू विल डू वट एवर दे से, वैन यू विल गो फॉर इट, वट एवर देयर ओपिनियन इज, दिस विल gain the trust level of them towards you. Ultimately इसका आपको बहुत फ्यूचर में फ़ायदा होगा. एंड दिस इज द वर्ल्ड ऑफ स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे बच्चा भी हज़ारों लाखों कमा सकता है, बड़ा से बड़ा भी हज़ारों लाखों कमा सकता है. दिस टॉपिक इज़ फॉर एवरी वन, नॉट फॉर ओनली हम और हमसे छोटे या हमसे बड़े. देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स ओवर द इंटरनेट. हाँ, अगर आप सोच लेंगे यार मैं अगर सपोज ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लूँ, मेरे आगे पीछे हज़ार ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो वो भी तो कर रहे हैं, मैं मुझे क्यों काम मिलेगा. देखें जिन्होंने स्टार्ट किया था ना, अगर उन्होंने भी सोचा होता ना तो आज ग्राफिक डिज़ाइनर जीरो होते. देखें रिस्क अल्लाह के हाथ में होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग सीखे आपको पैसा मिलेगा, बट वेन एवर यू डू एनी थिंग, वेन एवर यू पुट एफर्ट्स, तो उसका रिटर्न आपको अल्लाह जरूर देता है. काफ़ी बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैनी पीपल कम टू मी एंड से कि यार हम ये स्किल सीखना चाहते हैं, हम वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, हम फोटोग्राफी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स कहते हैं ये किन कामों में तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई तुम करनी है, ये तुम किस काम में जा रहे हो. हमारे पेरेंट्स को इतना आइडिया नहीं होता काफ़ी सारों का कि यार कि हाँ ये जो बच्चा कर रहा है इसकी इस ज़माने में कितनी इंपॉर्टेंस है. आप वो स्किल सीखे, स्टार्ट डूइंग वर्क, when you will get money your parents will see yaar yeah, this guy is doing something jisse ultimately isko fayda ho raha hai and he is doing something jisse iska time zaya nahi ho raha hai, kahin doston mein nahi ghum raha, hamara gardi nahi kar raha, he is doing something, he is putting efforts to do something. So when you get money aap woh khana ke bolenge yaar abhi main aapke liye ye lekar aaya hu apne skills se karke, main aapko guarantee deta hu they will support you. I know ki aapke parents aap unko paise denge wo lenge nahi, aapko wapas kar denge, lekin unke andar ek ye cheez paida ho jayegi ki yaar haan hamara bachcha jo hai hame wo samay सपोर्ट करना चाहता है, समाओ हमारी बैकबोन बनना चाहता है. तो दिस विल अल्टीमेटली मेक देम सपोर्ट यू वॉट एवर यू डू फॉर देम. हमारे पेरेंट्स की दुआएं हमारे लिए ऑलरेडी ऐसी होती हैं कि पता नहीं हमें कहां से कहां ले जाएं, लेकिन अगर आपने ये सब कुछ किया और उनकी 0.1% स्ट्रेस का भी फर्क पड़ा उनके, और वो खुशी है उनके मुंह पे चेहरे पे मुस्कुराहट आई, एक तो अल्लाह की तरफ से आपको अलग से एक बरकतें मिलेंगी, अलग से आपको एक सपोर्ट मिलेगी, लेकिन जब उनके दिल से उस वक्त दुआ निकलेगी ना, आप फर्श से अर्श पे चले जाएंगे. तो दिस वॉज माई टॉपिक टूडे, और उम्मीद है कुछ सीखने को मिला होगा. अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मुझे DM में शेयर कीजिएगा, मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे, क्योंकि आप लोग जब शेयर करते हैं तो अल्टीमेटली मुझे खुशी होती है कि यार हाँ देर आर सम पीपल हु कैन रिलेट टू मी, हु कैन रिलेट टू माई टॉपिक, यार हाँ बाकी हमारे साथ जैसा हुआ था. कोई आपको अगर पास एक्सपीरियंस है जैसे आपको जो मैंने बातें की आपने ऑलरेडी वो किया और आपको उससे फ़ायदा हुआ, तो ज़रूर मुझे बताइएगा DM में. और वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस इज़ व्हाट इट इज़. अल्लाह हाफिज़.